अचानक से आपके ब्रेस्ट में जो है बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज पीड़ा हो रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप बेबी को फीड कराना चाह रही हैं और फीड भी नहीं करा पा रही हैं दर्द की वजह से। तो ये क्या है और किस कारण से हो गया है और इसे किस तरीके से आप ठीक कर सकती हैं, आज के वीडियो में यही मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो वेलकम बैक माई चैनल गुड़िया जाह्नवी, जहाँ मिलती हैं आपको ब्यूटी फैशन और ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस। ट्यूटोरियल में हेल्थ ट्यूटोरियल और साइड ट्यूटोरियल की वीडियोस मैं ज़्यादा बनाती हूँ। ब्यूटी एंड फैशन की वीडियोस आप लोगों को जो है मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे और मेकअप के वीडियोस में यदा कदा लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं अपने वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। करने वाले हैं कि स्तनों में दूध क्यों जम जाता है, इसका क्या कारण है और इसे आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, वो कौन से उपाय हैं जिससे आप करके अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं चुटकियों में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है कि दूध क्यों जमता है। अक्सर प्रेगनेंसी होने से लेकर और बेबी डिलीवरी तक जो है हमारे ब्रेस्ट का साइज काफी बढ़ जाता है और काफी हैवी हमारे ब्रेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो है दूध बनना शुरू हो जाता है बेबी के लिए। अगर जब आपकी डिलीवरी हो जाती है और आप बेबी को फीड कराने लगते हैं, उस टाइम पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं अपने बेबी को फीड कराने की, तो इसकी का इस वजह से भी जो है दूध जम जाता है और गांठ सी बन जाती है। ये गांठ फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा परेशानी करती है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे को फीड कराने के लिए जो दूध हमारे शरीर में बनता है, वही दूध जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बाहर आने लगता है, बनने लगता है शरीर के अंदर और बाहर नहीं आ पाता है, तो वो दूध हमारे जो ग्रंथियां हैं उनमें जम जाता है जाके, जिसकी वजह से गांठ सी बन जाती है और वो गांठ हमें बहुत ज़्यादा परेशानी करती है। प्रेगनेंसी के 4 से 5 महीने के बाद जो है आपके ब्रेस्ट में दूध बनना शुरू हो जाता है ताकि आप बच्चे को अच्छे से फीड करा पाएं जब बेबी आपका डिलीवर हो। तो ये वरदान सिर्फ एक माँ को ही मिला होता है, जो माँ अपने बच्चे को उसकी भूख को मतलब मिटा सकती है। कुदरत का एक वरदान है जो माँ को मिला होता है बच्चे के लिए। जब ब्रेस्ट में दूध बहुत ज़्यादा बंदा होता है और टाइम पर हम बेबी को फीड नहीं करा पाते हैं, तो वो दूध हमारे जो है ब्रेस्ट की नसों में जम जाता है, जिसकी वजह से भी है गांठ सी बन जाती है और फिर आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। कभी कभी गलत तरीके से लेटने बैठने से भी जो है दूध आपका आपके ब्रेस्ट में जम जाता है, जिसकी वजह से भी गांठ जैसी हो जाती है और फिर वो गांठ बहुत ज़्यादा दर्द देती है, आप बेबी को फीड भी नहीं करा पाते हैं, ये भी समस्या हो जाती है। जब हम गलत तरीके से लेटते हैं, कभी कभी हम हाथ ऊपर करके लेट जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, यानी कि दूध जो है नसों में ऊपर की ओर चढ़ जाता है, फिर वहाँ पर गांठ बन जाती है। तो इस जगह पर आपको एक गांठ सी महसूस होगी और जिसकी वजह से आपको दर्द होगा। कभी कभी हम करवट में लेट जाते हैं और करवट लेटने की वजह से जो है सारा जो दूध है वो हमारे साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से भी गांठ बन जाती है और फिर वहाँ पर दूध जम जाता है और दर्द होता है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि बेबी को हम फीड करा होते हैं और बेबी का सर इधर उधर हिलने डुलने के कारण कभी कभी ब्रेस्ट से लड़ जाता है, जिसकी वजह से भी जो है दूध की गांठ सी बन जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा पेन करती है। हम बेबी को जब फीड कराते हैं तो फीड नहीं करा पाते हैं दर्द की वजह से और ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मन करता है फीड कराओ ताकि दर्द निकल जाए, लेकिन फीड नहीं करा पाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं दूध जम जाने के। बात करते हैं अब इन कारणों को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, वो कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि इस चीज़ से हमें भूल सकती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड बार बार कराते रहना है। ऐसा नहीं है कि दूध आपका प्रोड्यूस हो रहा है और आप जो है बेबी को फीड नहीं करा रहे हैं, उसे रोक के रख रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। अगर आपके ब्रेस्ट में बहुत अधिक मात्रा में दूध बन रहा है तो उस दूध को आप जो है बाहर निकाल दीजिए और उसे स्टोर कर लीजिए बेबी के लिए और फिर आप उसे जो है बॉटल में डालकर भी बेबी को फीड करा सकते हैं। बहुत नॉइज अगर गाइज मिल रही तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। अगर आप आपके ब्रेस्ट में दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है और बाहर आ रहा है, तो आप जो है अपने ब्रेस्ट को अपने हाथों से रख के कुछ इस तरीके से जो है हल्के हल्के हाथों से कर सकते हैं दबाव देके, तो इससे भी जो है दूध का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और फिर आप बेबी को लेकर दूध फीड कराएंगे अच्छे से, तो फिर ये दूध आपके जो है स्तनों में नहीं जमने पाएगा।
मार्केट में जो है बहुत सारे ऐसे निपल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनें आती हैं जिनको आप अपने स्तनों पर लगाकर एक्स्ट्रा जो आपका दूध है, एक्स्ट्रा जो मिल्क है उसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और आपके जो ब्रेस्ट में गांठ नहीं बनने पाएगी, दूध जमने नहीं पाएगा, जिससे आप इस पेन से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको दूध जम ही गया है, अगर आपके ब्रेस्ट में दूध जम गया है और आपको गांठ सी पड़ गई है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है और आप बेबी को फीड नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, आप ले लें गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी लें, मतलब इतना गर्म हो कि आप उससे अगर जो है अपने ब्रेस्ट की सिकाई करें तो अच्छे से कर पाए, इतना गर्म पानी होना चाहिए, उसे ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए और उसकी सेक भी आप अपने ब्रेस्ट पर दे सकते हैं। इससे भी जो है आपके जो जमा हुआ दूध है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा और फिर आपका जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा और आप बेबी को आसानी से फीड करा पाएंगी। आखिरी और सबसे आसान उपाय मैं बताने वाली हूँ, जिसे मैंने खुद ट्राई किया हुआ है अपने ऊपर, क्योंकि मैं भी माँ बेबी कभी छोटा रहा था, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही वीडियोस बनाती हूँ, जो मेरे खुद के अनुभव होते हैं और जिनको मैं देखती हूँ कि वो कारगर हैं और उनसे लाभ हो सकता है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करती हूँ। तो जो लास्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है आपको। ये एक टोटका भी है जो बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं, मेरी सास ने भी मुझे बताया था, क्योंकि मुझे तो ऐसे फर्स्ट डिलीवरी में कुछ पता नहीं था। तो आप गर्म पानी ले लीजिए, गर्म पानी इतना ही हो जितना आपका जो है शरीर सह सके, तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा गर्म होगा तो चलेगा। तो गर्म पानी ले लेना है आपको और पानी को आपको अपने स्तन पर डालना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे इस तरह से डालना है और एक कंघी की हेल्प से उसे अच्छे से इस तरीके से आपको करते जाना है, चारों तरफ से आपको करना है ये क्रिया। इससे करने से जो आपके स्तनों में दूध जम गया है या फिर गांठ बन गई है तो वो आसानी से निकल जाएगी, दर्द में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और उसके तुरंत बाद आप बेबी को दूध जो है पिलाना शुरू कर दीजिए, उसे जो है ब्रेस्ट फीड कराना शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दर्द कम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और काफ़ी आप रिलैक्स फील करेंगी। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा मुझे जो भी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आई, या आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो इसके बारे में जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो लूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से अपडेट होते रहें, क्योंकि इस तरीके के कॉन्टेंट मैं लेकर आती ही रहती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।